नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में आज उस समय चर्चाओं के बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गए जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी दोनों के दोनों नेता राजभवन में एक साथ मौजूद थे और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे। चर्चाएं खूब चलने लगी कि क्या बिहार की राजनीति में फिर से कुछ घटने वाला है। वहीं नीतीश कुमार जब राजभवन पहुंचे तो ठीक उनके पीछे पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी राजभवन की तरफ बढ़े। वहीं पत्रकारों ने जब रोककर सवाल पूछना शुरू किया तो क्या कुछ सुशील मोदी ने इस पर जवाब दिया है वो पहले आप सुनिए। तो संयोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद में पहुंचा, लेकिन एक सामान्य औपचारिकता थी। बहुत दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी और इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। और चूँकि हमारे पुराने कॉलेज के ज़माने में विद्यार्थी परिषद हम लोगों ने एक साथ काम किया है, उस समय का संबंध है, लेकिन अभी राज्यपाल हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सर सिर्फ संयोग ही है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं कि अंदर खाने कुछ चल रहा है सर? एक संयोग है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बिहार को ऐसा राज्यपाल मिला है जो हायर एजुकेशन को सुधार करने में लगा है, इसलिए भी उनको बधाई देनी थी कि जो हायर एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं इसके लिए भी उनको बधाई देनी थी, इसलिए आया था। बाकी संयोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन इसका कोई और इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो नियुक्ति में तो मिसाइल वाली बात थी, वो सब देखी जा रही है, क्या कहिएगा इसको, क्या करना चाह रहे नीतीश कुमार, पहले लाए कि बिहार ही करेंगे? नहीं, देखिए ये बिहारी प्रतिभा का अपमान है, ये बिहारियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो बिना परीक्षा के आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? और अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पढ़ाएंगे तो बेचारे बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? एक और तो जो 400,000 जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि परीक्षा देने पड़ेगी आपको सरकारी कर्मी बनने के लिए, दूसरी ओर जो 200,000 से ज़्यादा और जो TET पास जो छात्र हैं वो बेचारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और एक नया बाप ने सगुफा छोड़ दिया कि जो डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया, तो पहले लाया क्यों था आपने, अब फिर ख़त्म क्यों किया? और अब तो परीक्षा होगी नहीं, अब तो एक महीना फिर डेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए। शिक्षक तो थर्ड ग्रेड 3 में आते हैं, वो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के समकक्ष उनको माना जाता है। तो वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में भी आप अगर बाहर के लोगों को लाएंगे और बिहार का लड़का अगर IAS IPS और IIT में कॉम्पीट कर सकता है, तो क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ा सकता क्या उस? तब तो बेकार इतने कॉलेज चल रहे हैं बिहार के अंदर। तो इसलिए देखिए, सरकार की मंशा बहाली करने की नहीं है, क्योंकि 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय आएगा सरकार को। सरकार के पास तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर विवाद पैदा करो, कोर्ट में मामला चला जाए, फंस जाए, उनकी नियत नियुक्ति करने की नहीं है। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस मुलाकात को एक संयोग बताया और कहा कि देखिए ये केवल एक संयोग है कि जब मुख्यमंत्री और राजभवन पहुंचे थे तब भी मैं भी राजभवन पहुंच गया, और क्योंकि कई मुद्दों पर बातचीत करनी थी, शिक्षा को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बिहार की राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो आम तौर पर घटते नज़र आ जाती है, और इसी को लेकर जब एक साथ दोनों ही नेता राजभवन के अंदर थे तो फिर कयासों के बाज़ार काफ़ी ज़्यादा गर्म तो हो नहीं थे। हालांकि खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि 10 जुलाई से बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र शुरू होना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और शायद कैबिनेट विस्तार को लेकर भी उनकी चर्चा हुई। और वहीं जो राज्यपाल हैं उनसे मिलने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी पहुंचे और कई मुद्दों को लेकर वो वहाँ पर गए थे, खासकर बिहार में शिक्षा को लेकर जिस प्रकार की स्थिति है उस पर भी बात करनी थी उनको। और इसके अलावा जो हाल ही में डोमिसाइल की नीति लागू की गई थी और उसे रद्द किया गया, उस पर भी सुशील मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।